सो हेलो गाइस। तो आज जो कोई भी अर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आज जो बहुत ही सीरियस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, जो कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि मेरा फ्री फायर जो अकाउंट है, जो अकाउंट अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये अकाउंट हैक हो चुका है। जी हाँ, अभी कौन हैक किया, किस तरीके से हैक हुआ, सब कुछ वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, अभी वीडियो को मैं लास्ट तक देखो, पूरा देखो, ये सब कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, एक बात बोलूँगा, अगर आपका अकाउंट सेफ रखना है, मतलब आपका अकाउंट अगर सेफ रखना है, हैकर से बच के रखना है, बचा के रखना है, तो इस वीडियो को देखो, बस इतना ही बोलूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखो। और आप लोगों को लग रहा होगा, काफ़ी बंदे ये भी सोच रहा है कि ये किसी लिंक पे क्लिक किया, इस वजह से इसका मतलब फ्री फायर अकाउंट जो हैक हो चुका है। नहीं भाई, मैं इतना भी मतलब समझ सकती, इतना भी मतलब लालची नहीं हूँ, मतलब डायमंड वगैरह के चक्कर में आईडी हैक करवा लूँ, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं किया, मुझे भी पता है। ठीक है, पता हो के भी मेरा अकाउंट हैक हुआ है, किस तरीके से हुआ है मैं सब कुछ बताऊंगा। और काफ़ी लोगों को यह भी लग रहा होगा किसी को आईडी पासवर्ड दिया है। नहीं भाई, आईडी पासवर्ड मैंने किसी को नहीं दिया था, फिर भी अकाउंट हैक हो चुका है। जी हाँ, आईडी पासवर्ड नहीं दिया, फिर भी अकाउंट हैक हुआ, किसी लिंक पे नहीं क्लिक, मतलब क्लिक भी नहीं किया, फिर भी अकाउंट हैक हुआ। अभी हैक कैसे हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे किसने हैक किया, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और आगे जाके आपके साथ भी हो सकता है, अगर पहले से अवॉर्ड हो जाओ तो आई थिंक नहीं होगा आपका अकाउंट हैक। तो इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। अभी देखो, इस वीडियो को मैं नहीं बना था, फिर भी बना रहा हूँ आपके सेफ्टी के लिए। जी हाँ गाइस, जो मेरे साथ हुआ है, आपके साथ ना हो, बस इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, अभी कैसे है भाई, काफ़ी लोग ऐसा भी है जो बोले कि जब तेरा अकाउंट हैक हो चुका है, तू आईडी कैसे लॉगिन किया। तो नहीं भाई, मैं लॉगिन कर लिया, तो कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो ये अकाउंट देख रहे हो, 2 से 4 दिन में बैंड हो जाएगा, आई थिंक हो सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है, क्योंकि इस अकाउंट पे जो हैक किया था उसने हैक लगा दिया है। जी हाँ, हैक लगा दिया है, और इस वजह से मेरा मैच मेकिंग नहीं लग रहा है। जी हाँ, यहाँ पे एक भी रैंक गेम में नहीं खेल पा रहा हूँ, और क्लास को रैंक खेल रहा हूँ तो हैकर आ रहा है। जो भी गेम खेल रहा हूँ हैकर आ रहा है। ठीक है, रैंक गेम तो 2 से 4 दिन में मैंने एक भी नहीं खेला, लग ही नहीं रहा था, मैच मेकिंग ही नहीं हो रहा था, तो खेलूँ कैसे। सिर्फ लोन ऑफ जो यहाँ पे राउंड है, जो एक क्या पता नहीं यार, अभी समझ में नहीं आ रहा, बोलने का हालत में भी नहीं हो, क्योंकि इतना मतलब खर्च किया आईडी पे, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाया था, तो चला गया ना, जब बहुत बुरा लगता है। सो मतलब बोल रहा हूँ ना, बोला नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे जो लोन ऑफ गेम है ना, मतलब ये मोड, तो ये लगा रहा हूँ, तो इसमें हैकर आ रहा है। जी हाँ, और मैच मेकिंग तो हो ही नहीं रहा है, कोई भी रैंक गेम में नहीं खेल पा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ, कोई भी रैंक गेम नहीं खेल रहा हूँ। और गई जो भी मेरे साथ, मतलब काफ़ी सारे ऐसा भी है सब्सक्राइबर जो मेरे फ्रेंड लिस्ट पे है, तो मैं सबको बता दूँ, अगर कोई भी रिक्वेस्ट आपको इस अकाउंट से भेजे और कुछ गाली वगैरह दे, तो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो हैकर दे रहा है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बोल देता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ आपको, मतलब सबसे पहले आपको बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को देखो। ओके, अभी क्या, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ मेरा अकाउंट जो हैक कैसे हुआ। ठीक है, किसने किया सबसे पहले बता दूँ गाइस, जिसने हैक किया ना वो मेरा सब्सक्राइबर है। जी हाँ, अभी काफ़ी लोगों को हो सकता है शॉक हुआ है। जी हाँ, मेरा सब्सक्राइबर है, एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेरा अकाउंट जो हैक किया है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो प्रूफ के लिए, एक बंदा है जो कमेंट किया था, 99+ गेमर्स यूट्यूब चैनल का नाम है इसका। तो इसने कमेंट किया है कि तेरा अकाउंट हैक करने जा रहा हो, पैसा रेडी रख, अगर अकाउंट चाहिए तो। आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर मैंने हंस के इमोजी भी दे दिया, देन बोल रहा है ठीक है, हैक लगाने जा रहा हो, तो मैंने बोला लगा ले। अभी देखो, कोई बंदा कैसे मेरा अकाउंट को हैक कर सकता है, जब मैंने आईडी पासवर्ड किसी लिंक पे क्लिक ही नहीं किया, कैसे हैक कर सकता है। तो यही समझ के मैंने यहाँ पे इमोजी दे दिया हंसने का, फिर मैंने बोला कर ले। ठीक है, यही समझ के दिया, मैंने तो कुछ गड़बड़ किया ही नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि हाँ अकाउंट सेव है, ये नहीं कर सकते, ये मजाक कर रहा है, मुझे ऐसा लगा, लेकिन इसने हैक कर लिया। अभी हैक कैसे किया पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सुन सुनो, सब कोई सुनो, नहीं तो भाई आपका अकाउंट आज या फिर कल जा सकता है। और इस बंदे का तो खबर मैं लास्ट में लूंगा ही, 100% लूंगा गाइस। इस बंदे ने कुछ इस तरीके से मेरा आईडी लॉगिन किया है ना, आपको सुनना चाहिए, और सुनो भाई। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो मेरा जो जीमेल आईडी है ना, वो बहुत ही सिंपल था, मतलब जीमेल आईडी जो था ना, बहुत कोई को पता था। ठीक है, मेरा सब्सक्राइबर लोगों को, काफ़ी लोगों को पता था मेरा जीमेल आईडी। तो सबसे पहले फेसबुक में जाके वो लॉगिन, मतलब जीमेल आईडी दे दिया। देने के बाद अभी पासवर्ड का बारी है, तो मेरा पासवर्ड सबसे पहले बता दूँ, मेरा पासवर्ड बहुत ज़्यादा सिंपल था, कोई भी हैक कर सकता है। और गाइस, पासवर्ड मैं भूल ही गया था पूरा, कि मेरा फेसबुक का जो पासवर्ड है बहुत ज़्यादा सिंपल है। जी हाँ, मैं भूल गया था पूरा, मुझे याद ही नहीं था उतना। देखो, यूट्यूब के मगजमारी, फिर स्पॉन्सरशिप, फिर पढ़ाई लिखाई, बहुत ज़्यादा ध्यान वगैरह देना पड़ता है, सब सब में देना पड़ता है, तो छोटा मोटा चीज़ कौन याद रखेगा। तो बस वहाँ पर शुरुआत हुआ, मेरा पासवर्ड बहुत ज़्यादा सिंपल था,
गेस करके बंदे ने पासवर्ड दे दिया और पासवर्ड सही हो गया और आईडी लॉगिन भी कर लिया। लेकिन उसने लॉगिन किया और एक मोबाइल नंबर ऐड किया फेसबुक में जाके, तो मुझे नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे सब कुछ स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे नोटिफिकेशन आया कि आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हुआ है। तो मैंने सोचा नहीं कि मतलब एकदम हदास हो गया कि किस तरीके से लॉगिन हो गया, कौन लॉगिन किया, मतलब एकदम हड़बड़ा गया, क्या हुआ। जाके फटाफट एकदम फिर मैंने अपना लॉगिन किया, मतलब लॉगिन हो गया, ठीक है, मेरा फेसबुक अकाउंट फिर से लॉगिन हो गया। फिर मैंने जाके टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ ऑन किया, जो कुछ भी नहीं था। और यही मेरा सबसे पहला गलती था। यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन मतलब कुछ सिस्टम होता है, मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन ही जैसा फेसबुक पे भी होता है, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर बाइंड करना पड़ता है, फिर आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे फिर जाके यहाँ पे लॉगिन होगा। तो वो मेरा ऑन नहीं था, इस वजह से वो लॉगिन कर लिया, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे यही बात ध्यान रखना है, अभी जो सुना वही करना है। जाओ अभी वीडियो को छोड़ो, छोड़ के जाओ, सबसे पहले जाके फेसबुक में जो भी आपका पासवर्ड है इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप खुद भूल जाओ। जी हाँ, नहीं तो कहीं पे नोट करके रखो। जल्दी जाओ, जल्दी जाके एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि हैकर का बाप भी आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाया, कर पाएगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने के हालत में नहीं हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है गाइस, बहुत बुरा, क्योंकि अच्छे इंसान के साथ ना हमेशा बुरा ही होता है, मैं देख लिया ये चीज़, ठीक है। और गाइस, जो टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है फेसबुक का, वो जरूर से ऑन करना, जाके सबसे पहले करो यार, वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले जाओ करो, फिर आके वीडियो को देखो, ठीक है। सबसे पहले जाओ देखो, देखो करो, यूट्यूब में सर्च करो किस तरीके से टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करता है, जाओ करो सबसे पहले, फिर जाके आके वीडियो को देखो। टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह ऑन अगर नहीं किया तो जल्दी जाओ, सबसे पहले वो करो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अकाउंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले जाकर वो चीज करो। अभी यहाँ पे काफी लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है, काफी लोग बोलेंगे भी कि जब वो लॉगिन कर लिया तो तू कैसे लॉगिन किया। तो मैं बता दूं, वो जब लॉगिन किया था ना, वो कुछ भी यहाँ पे मतलब उसको चाहिए फ्री फायर अकाउंट। जी गाइस, मेरा फ्री फायर अकाउंट चाहिए था, मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं चाहिए था। तो जब वो लॉगिन किया तो वो यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह ऑन वगैरह कुछ भी नहीं किया था, नेम वगैरह कुछ चेंज नहीं किया था, पासवर्ड वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया था, उसको चाहिए था सिर्फ मेरा फ्री फायर अकाउंट। जी हाँ, तो इस वजह से मैंने लॉगिन कर लिया, उससे पहले ही कर दिया, उससे पहले पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया जाके, उससे पहले जाके मैं यहाँ पे ओटीपी वगैरह डाल दिया, मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह ऑन कर लिया, तो उसका फेसबुक अकाउंट हो गया था लॉगआउट। मतलब हैकर्स के जो मोबाइल था, जो मेरा अकाउंट लॉगिन था, वो लॉगिन लॉगआउट हो गया था उसके अकाउंट से, लेकिन फ्री फायर में वो लॉगिन कर चुका था। जी हाँ, फ्री फायर में लॉगिन कर चुका था और फ्री फायर अकाउंट उसने लॉगिन किया। और गाइस देखो, अभी मैं यहाँ पे मास्टर पे हूँ ना, इतना ज़्यादा उसने माइनस लगवाया, इतना ज़्यादा माइनस लगवाया कि क्या ही बोलूँ यार। हो गया, अभी समझ में आ गया किस तरीके से उसने हैक किया। मतलब पासवर्ड उसने गेस कर लिया, इतना ज़्यादा सिंपल मेरा पासवर्ड था। अभी आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और टू स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखना, ठीक है। तो इस तरह से उसने हैक कर लिया। अभी अवॉइड आपको यही करना है कि जल्दी जाओ, पासवर्ड वगैरह चेंज करो, स्ट्रांग पासवर्ड दो, टू स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह ऑन करके रखो, ठीक है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है गाइस। बस 64 लेवल का आईडी है, ठीक है, देख सकते हो 64 लेवल का। और बता दूँ, उसने ना क्या किया पता है, दो तीन दिन तक, मतलब दो से तीन दिन खेला इस अकाउंट से, फिर इसमें हैक लगा दिया है। जी हाँ, हैक लगा दिया है मेरा इस अकाउंट पे। अभी वो अगर सुन रहा है ना भाई, देख गाली तो मुझे, मैं तुम्हें नहीं दे सकता इस यूट्यूब में, ठीक है, लेकिन जो भी किया तूने बहुत बुरा किया। सच बताओ तो एक अच्छे इंसान के साथ जब कोई बुरा करता है ना, और जो बुरा किया है उसको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, मैं सच बता रहा हूँ यार। अभी किसी को हंसी आ रहा है, किसी को मजाक लग रहा है, सही बता रहा हूँ यार, मैंने सबका हेल्प किया यार, लेकिन आज मेरे साथ बुरा हो गया, और जो किया है वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा यार, कभी नहीं। और चलो हैक किया तो किया, उसमें हैक भी लगा दिया। अभी हैक जब लगा है ना, कोई भी रैंक मैच देखो भाई, चालू ही नहीं हो रहा है, दिखा देता हूँ, देखो 00 यहाँ पे एस्टिमेट 00 आ रहा है, देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे रैंक मैच स्टार्ट ही नहीं होगा, कुछ भी कर लो यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। बस यही बोलना था, और कुछ बोलने लायक ही नहीं भी है। मतलब उस चैनल पे जाओ, गाली लिखो, जो करना है करो भाई, दो उसको कुछ सबक सिखाओ सबको ही मिलके, ठीक है, ताकि जो मेरे साथ किया है किसी बच्चे के साथ ना करे, ठीक है। अभी क्या ही बोलूँ, छोड़ो। तो वीडियो शेयर करो, जितना हो सके शेयर करना, और सेफ रखो अपने आईडी को। और भी काफ़ी कुछ आई थिंक मुझे बोलना था, लेकिन मैं भूल चुका हूँ, बिल्कुल भूल चुका हूँ।
कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है गाइस, बहुत बुरा। और वीडियो भाई साहब बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो शेयर करो वीडियो को बाकी दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि वो लोग भी अवर्ट हो जाए। कि पासवर्ड स्ट्रांग रखना, मैं फिर से बोल के जा रहा हूँ, पासवर्ड स्ट्रांग रखो, इतना स्ट्रांग रखो कि हैकर का बाप भी लॉगिन ना कर पाए, ठीक है। और टू स्टेप वेरिफिकेशन जाके ऑन करो, जल्दी जाओ ऑन करो सबसे पहले। ओके भाई, देख सकते हो टाइम आउट हो चुका है, देखो ऑटो मैचिंग टाइम आउट, देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो देख रहे हो भाई। जितना भी कोशिश कर लो यहाँ पे अकाउंट जो फ्री फायर गेम चल ही नहीं रहा यार, कितना टाइम तक कोशिश कर रहा हो भाई। एक ही गेम था जो मैं खेलता था, एक दो बार खेलता था, बहुत कम ही खेलता था, लेकिन पसंद था। फिर भी क्या ही बोलो यार, बहुत बुरा किया जिसने भी किया, बहुत बुरा किया है। और पैसा भी मांग रहा है, पैसा मांगा था एक बार कमेंट में। तो देखो मैं फ्री फायर के चक्कर में एक भी पैसा उसको नहीं दूंगा, ठीक है। एक बार जाओ उसको चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर मेरा हेल्प करना है तो जो भी अभी तक इस वीडियो को देख रहा है, सच्चा सपोर्टर है, मान लिया सच्चा सपोर्टर है जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहा है, ट्विटर का लिंक है नीचे, गरीना को ट्वीट मैंने किया है, ठीक है। जाके हो सके तो एक बार रिट्वीट कर दो, अगर रिप्लाई वगैरह कुछ आता है तो आ जाए, ठीक है। अगर हो सके तो, अगर आपको हेल्प करना है, सच्चे दिल से हेल्प करना है ना यार, तो जाके कर दो बस, ठीक है, रिट्वीट कर दो। एक भी पैसा नहीं लगेगा, अगर कर दिया, अगर अकाउंट सही हो गया तो बहुत ज़्यादा थैंक यू यार, बहुत ज़्यादा थैंक यू, शुक्रिया। अगर हो गया तो एक बार जाओ रिट्वीट कर दो, बहुत बुरा लग रहा है गाइस, बहुत बुरा। जब मतलब 2 से 3 साल से मैं फ्री फायर गेम खेल रहा हूँ, यही आईडी से खेल रहा हूँ, तो कितना लगाव होगा आप सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन जिसने हैक किया है ना, एक बार हत्याचार किया ना, तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, सच बता रहा हूँ, नहीं छोड़ूंगा उसको। तो चलो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। बहुत बुरा लग रहा है और क्या बोलूँ। तो इस तरह से उसने हैक किया, मैंने रिट्वीट किया, फिर गरीना को मतलब सेंड भी किया काफ़ी सारे मैसेज, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, कुछ कहीं से भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। और देखते हैं उस बंदे के साथ अगर बातचीत हो पाता है तो बहुत सही। अगर तू देख रहा है वीडियो तो एक बार बातचीत कर मुझे, इंस्टाग्राम से बात कर, इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे मैसेज कर, बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, बातचीत करूँगा तुझसे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।